आइए और जानकारी लेते हैं कि आज जो इस प्रोग्राम जो दो दिन से प्रोग्राम चल रहा है 8 और 9 तारीख से, इस प्रोग्राम के अंदर जो बड़े पैमाने पे लोगों ने भाग लिया, इसी बीच हमारे बीच में डॉक्टर विजय कुमार जी, आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि जो इस प्रोग्राम के अंदर जो आए, इन प्रोग्राम के अंदर क्या निष्कर्ष निकला। डॉक्टर विजय जी, आप इस प्रोग्राम के अंदर आए, बाबा साहब के भवन के अंदर आए, तो सर इस प्रोग्राम से आप क्या निर्णय निकले और इससे इसका क्या उद्देश्य रहा? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो भवन है, हमारे जितने भी नेता हैं वो सब नेता बनने को तैयार हैं, लेकिन हमें हमारा बेसिक या हमारा मेंटल स्टेटस कहाँ से स्टार्ट होता है। मैं एज ए डॉक्टर मैं थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में बात करूँगा कि ये हमारा मेंटल लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है। हम जिस घर में रहते हैं वो घर हमारा कितना साफ सुथरा रहता है, कितना वेल मेंटेन होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा माइंड काम करता है। हम इस भवन में आए हैं और इस भवन में हमें ये महसूस हो रहा है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का भवन है। इतना गया गुजरी कंडीशन है, हमारे नेता गाड़ी पार्किंग का कब्जा हो चुका है इसमें, इसमें लोग जो यहाँ के केयर टेकर हैं वो इस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और इस केयर टेकर की तरह यहाँ पे रेंट लेते हैं, तो इसको देख के हमें शर्म आती है। हम बाबा साहब की दम पे आज डॉक्टर हैं और स्वाभिमान की ज़िंदगी जीते हैं, हम कभी झुकने की परवाह नहीं, मरने की परवाह नहीं करते, ना कभी झुकते हैं। इस कार्यक्रम में और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम में हम गए हैं और कई सालों से जाते रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और पिछले 25 साल से मैं दिल्ली में हूँ। ऐसे कितने कार्यक्रम में मैं गया हूँ, तो सॉल्यूशन जहाँ की तहाँ है। अभी हम कुछ नए लोगों के साथ जुड़े हैं और वो सारे यंग लोग हैं और सारे स्वाभिमानी, जहाँ तक हमने अभी तक उनको समझा है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों के कार्यक्रम में गए हैं, सब लोग इस टाइप के कार्यक्रम करते हैं और वो डाक के तीन पात टाइप की एक लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं लोग, वही वाला सिस्टम सामने आता है। इसमें एक चीज़ जो थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है, वो पॉजिटिव है कि हमें यहाँ पे जितने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी, या तो वो संगठन का है या किसी पार्टी का, अगर आए हैं और वो सारे लोग एक अम्ब्रेला या एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात करते हैं, ये थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है। अगर वो अपनी ईगो को एक साइड रख के एक प्लेटफॉर्म पे सोसाइटी को सर्व करने की बात करते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं।